मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, अन अकेडमी UPSC पर जुड़ चुके हैं। उम्मीद करो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, विजुअल्स भी दो मिनट में आ जाएंगे दोस्तों आपके पास। अब तक बात कर लूँ मैं आपके संग, आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ दोस्तों, अन अकेडमी की एजुकेटर्स की टीम जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको संडे को होगा आपका कॉम्बैक्ट, याद रखिएगा संडे को होगा कॉम्बैक्ट आपका, सुबह 11 बजे संडे कॉम्बैक्ट देना है दोस्तों आपको, जहाँ पर आप जीत सकते हैं 4 करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप मन से, और रैंक टॉप 3 को मिलेगा दोस्तों 1 साल तक का अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फ्री। बिल्कुल करना क्या है, ऐप पर जाना है और यूज़ करिएगा आशीर्वाद 10 कोड जिससे आप जुड़ पाएँ इस टेस्ट के साथ दोस्तों। तो संडे सुबह 11 बजे याद रखिए टेस्ट होगा दोस्तों। इसके अलावा GS करने के लिए आपके पास प्लस बैचेज हैं, आना आइकॉनिक बैचेस दोस्तों, ज्वाइन कीजिए आज ही, यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 कोड जिससे आपको यहाँ पर आइकॉनिक बैचेस में डिस्काउंट प्राप्त हो पाए, साथ ही साथ आप जुड़ पाएँ हमारे स्टडी टीम के साथ, हमारे मेंटोरशिप टीम के साथ, जिससे वो गाइड करेंगे आपको, प्लान करेंगे आपके लिए। फीस कितना है सर? फीस है 44,000 फॉर 1 ईयर प्लस के लिए, और आइकॉनिक के लिए कितना है? 67,000 फॉर आइकॉनिक के लिए है दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ, यूज़ करना है आशीर्वाद 10 कोड आपको। आज से नए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों, 1 ईयर बैच एंड 2 ईयर बैच, बाइलिंगुअल बैच भी हैं दोस्तों और हिंदी बैच भी हैं जो आज से शुरू हो चुके हैं। जुड़िए हमारे साथ, चलिए प्रारंभ करते हैं अपना सेशन आज का। क्या है अपना आज का सेशन दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप प्रारंभ करते हैं दोस्तों अपने संग सेशन को यहाँ पर, और चर्चा मैं करूँगा आपके साथ। आज की बहुत सारी करनी है तो मैंने कहा एक आई मंत्रालय ले लिया जाए पूरा, जितना इस मंत्रालय में अपडेट करना है वो कर लेते हैं आपके साथ दोस्तों हम लोग। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ तो पहुँची गई होगी आप तक, और विजुअल्स भी अब आकर होंगे आपके तक दोस्तों। तो फटाफट लाइक और शेयर करो दोस्तों, थोड़ा लाइक और शेयर करो। सबको गुड इवनिंग दोस्तों, सबको गुड इवनिंग। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं क्या क्या करना है। तो मैं लिखा उस पर है थंबनेल पे 10 स्कीम, ना धोखे में आकर पाप आ गए होंगे, 10 नहीं कराऊंगा दोस्तों मैं आपको, यहाँ कराऊंगा और कितनी काउंट कीजिए, 15 स्कीम। जी हाँ, 15 स्कीम करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है वैसे वीडियो के, 15 का 15 नाम, चिंता मत कीजिए। मैंने बुला तो लिया आपको 10 योजनाओं के नाम पर, लेकिन हम करने वाले हैं 15 योजनाएँ, ठीक है? तो 15 प्रोग्राम मुझे करने हैं बेसिकली, और वो सब का उल्लेख किया गया है इस YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 15 का नाम लिखा गया पूरा, तो यही 15 आपको नाम मिलेंगे दोस्तों। स्पीड में करते हैं, फटाफट करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके संग इस कार्यक्रम की, ठीक है? चलिए दोस्तों एक एक करके देखेंगे, आधे घंटे बाद या 35 मिनट बाद जब 15 पूरे हो जाएंगे तब बता दीजिएगा मुझे, मैं वहाँ पर रोक लूँगा अपनी क्लास को। प्रारंभ करता हूँ दोस्तों, एक एक करके स्पीड में करेंगे। आप संग बाइलिंगुअल लिखा हुआ है नोट्स में, यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा, काम आसान हो जाएगा। पहला काम दोस्तों, पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, आयुष मंत्रालय जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय वो क्या कर रहा है, दवाइयाँ जो हम देते हैं आयुष में, आयुर्वेद के अंदर दे रहे हैं, होम्योपैथी में दे रहे हैं, सिद्धा में दे रहे हैं, यूनानी में दे रहे हैं, जो मेडिसिन जो आप उपचार के तरीके बताते हैं, क्या वो मानक हैं, क्या वो स्टैंडर्डाइज हैं, क्या वो बेहतर रूप से ग्लोबली इंटरनेशनल स्वीकार्य हैं? जी नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पहला काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे एक मिनट दीजिएगा, इसको मैं येलो कलर में कन्वर्ट कर लूँ जिससे आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और हम यूज़ कर लेंगे हाइलाइटर का, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, औषधि नियंत्रण ढांचे की स्थापना कर रहे हैं अपने लिए। मज़ा नहीं आ रहा इसमें सर, मज़ा नहीं आ रहा है, इस कलर में अच्छा नहीं लग रहा सर, ये तो वाइट कलर करेंगे दोस्तों, नहीं इस पर चलाएंगे हम लोग, पेन यूज़ कर लेते हैं सर, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, औषधि नियंत्रण ढांचे की स्थापना, जी हाँ, वी हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल आयुष ड्रग कंट्रोल फ्रेमवर्क। क्या मतलब है सर, जैसे आपने नाम सुना होगा एक संस्था का दोस्तों, किसका नाम मालूम है, सुना होगा आपने, आपने नाम सुना होगा इस संस्था का साल में कई बार, CDSCO कई बार नाम आया साल भर में इसका, कोरोना के चलते कई बार इसका नाम आया दोस्तों। ये क्या संस्था है सर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अंडर 1940 एक्ट के अंतर्गत। एक्ट का नाम क्या है सर, ये रहा एक्ट का नाम, देखो दिख रहा है 1940 का एक्ट है दोस्तों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत बनाई गई संस्था है CDSCO, जो भारत में दवाएं बेची जाती हैं उनको स्टैंडर्डाइज करती है, मानकीकृत करती है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है सर? लेकिन जो आयुष दवाएं बेची जाती हैं उनके लिए क्या है, कोई संस्था नहीं है, यही अप्रूवल देती है। हमने क्या किया, अब इस साल CDSCO के अंतर्गत एक वर्टिकल फ्रेमवर्क तैयार किया, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट बना दिया, सब विंग बना दी, उपशाखा बना दी इसकी, वो क्या करेगी सर, आयुष ड्रग्स जो होंगी उसको स्टैंडर्डाइज करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो CDSCO के अंतर्गत ही बात कर रहा हूँ मैं, हमने क्या किया है सर, अ न्यू इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट वर्टिकल स्ट्रक्चर इन CDSCO।
CDSCO के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर की स्थापना की 9 दशनों की टीम होगी, वो तय करेगी आयुष के लिए अलग से मानक। दोस्तों तो अच्छी बात है, यहाँ पर आयुष दवाओं को CDSCO दायरे में लाया गया है। पहले डायरेक्ट CDSCO देखता था, अब स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा, बन के ध्यान रखिएगा। तो CDSCO देखता था, बट नाउ CDSCO के तहत एक उसके अंदर डिपार्टमेंट बनाया गया है जो मानक देगा हमारी आयुष दवाओं को। एक्ट कौन सा रहेगा? एक्ट वही रहेगा दोस्तों 1940 का, उसी के नियम लागू रहेंगे, जिससे क्या हो सकेगा, जो दवाएं बेची जा रही हैं उनकी क्वालिटी एश्योर हो सकेगी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ। तो पहली योजना हमारे पास है यहाँ पर, तो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट की बात कर रहा हूँ। चलिए पहली दूसरी बात है दोस्तों, सेकंड खबर पे आते हैं आपके साथ। भारत सरकार चाहती है योगासन जो हैं, योग के जो आसन हैं, इन्हें एक स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में, एक स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया जाए। इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर योग के आसनों को भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाए, ऐसी भारत सरकार की इच्छा है। तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ कमेटी वो तय करेगी, लेकिन भारत ने खुद ने अपने प्रयास कर दिए। क्या किया दोस्तों, सुन लीजिए, हमारे यहाँ पर क्या किया दोस्तों, हमने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है, हमारा युवा मामलों का और खेल मामलों का जो मंत्रालय है दोस्तों, बहुत चर्चा में है आजकल, ओलंपिक और पैरालंपिक अच्छा प्रदर्शन हम लोगों ने किया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो हमारा चर्चा में है दोस्तों, उसने क्या किया है, इसने हमारे यहाँ पर NYSF एज अ फेडरेशन फॉर योगासन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ जो स्पोर्ट फेडरेशन है हमारे यहाँ पर दोस्तों, उसने क्या किया है, योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, युवा मामले के मंत्रालय के NYSF को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में, योगासन को एक संघ के रूप में मान्यता दी गई है। जी हाँ, तो योगासन एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भारत में स्वीकार कर लिया गया है, हमारा न्यू नेशनल यूथ स्पोर्ट फेडरेशन जो है उसने शामिल कर लिया है भारत में योगासन को एक खेल के रूप में। सर ने सुना होगा, जैसे हम लोग MP में जाएं तो MP में वहाँ का मल्लखलम जो होता है एक स्पोर्ट्स है, उसको मान्यता दी गई। योग काफ़ी हद तक योग टाइप है, लेकिन वो ऑफकोर्स एक कर्तव्यबाजी होती है, उसमें योग रूप प्रदर्शन होता है, मसल पावर का यूज़ होता है उसके अंदर। तो हमने देखा वहाँ पर मान्यता दी गई खेल के रूप में उसको, ऐसे ही योग को मान्यता दी जाए भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रयास कर रही है भारत सरकार, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में शामिल करना चाहते हैं हम लोग योगासन को दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ बात पहुँच गई होगी आप तक। ठीक है, तीसरी योजना आपके सामने, वृक्ष आयुष योजना। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट आज का, या तीसरी स्कीम, प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना। वृक्ष आयुष योजना दोस्तों क्या है, ये बात करते हैं आपके साथ। अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर, लॉन्च किया दोस्तों 15 मई 2020 को, आज से लगभग एक साल पहले इसको लॉन्च किया गया। अल्टीमेट गोल क्या है, कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट विद द बजट ऑफ 4000 करोड़, कवरिंग 10 लाख हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों, देश के 10 लाख हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों का कल्टीवेशन को लगाना, उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जो उसके बाद जो उससे जो उत्पाद पैदा होंगे पेड़ों से, जो मेडिसिनल प्लांट से चीज़ें बन के आएंगी, उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को स्टोरेज रखना, उनको प्रोसेसिंग करना, उसके लिए 4000 करोड़ का मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों, वृक्ष आयुष योजना। नाम से स्पष्ट है आपको यहाँ पर, तो कटाई के बाद का प्रबंधन और यहाँ पर उस पौधों की खेती, तो कल्टीवेशन एंड द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ आयुष ट्रीज और ट्रेडिशनल मेडिसिनल ट्रीज दोस्तों, उसके लिए लॉन्च किया हमने आयुष योजना को। 4000 करोड़ का स्कीम है और 10 लाख हेक्टेयर भूमि में लगाए जाएंगे पेड़ दोस्तों। इसके अंदर ही, इस कार्यक्रम के अंदर ही दोस्तों शामिल कर लिया गया, मालूम है किसे, जो गंगा के किनारे लगाए जा रहे हैं 800 एकड़ में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया है। कल्टीवेशन मेडिसिन प्लांट ऑन एरिया ऑफ 800 एकर अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। याद होगा दोस्तों, आपने नमामि गंगे मिशन पढ़ा है मेरे साथ, नमामि गंगे मिशन के 8 पॉइंट हैं, उसमें एक पॉइंट है वृक्षारोपण अभियान, गंगा वृक्षारोपण अभियान पढ़ा था हम लोगों ने, फोटो भी दिखाई थी मैंने उसकी एक बार आपको। तो गंगा वृक्षारोपण अभियान में गंगा के तट के साथ साथ, पूरे गंगा के तट के साथ साथ पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है, उसमें कहीं कहीं औषधीय पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो जिन जिन इलाकों में मेडिसिनल प्लांट लगाए जा रहे हैं गंगा के तट के साथ साथ, उस कार्यक्रम को भी इस बड़े कार्यक्रम का एक भाग बना दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वृक्ष आयुष योजना याद रखेंगे आप लोग, वृक्ष आयुष योजना PM के साहब के नाम पर, PM वृक्ष आयुष योजना दोस्तों, PMVAY व्हाटएवर जो भी योजना का नाम होगा दोस्तों, वृक्ष आयुष योजना। अल्टीमेट गोल है मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन बढ़ाना। मैं कई बार बोल चुका हूँ, साल भर में औषधीय पौधों के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है हमारे यहाँ पर, औषधीय मेडिसिनल प्लांट को लेकर काफ़ी चर्चा रही है, क्वेश्चन बनना चाहिए, इसको भी आप याद कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया है दोस्तों आपको। यहाँ पर फटाफट लाइक और शेयर का बटन दबा दो दोस्तों, जिससे मज़ा आ जाए थोड़ा सा, और
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी योजना पे आता हूँ मैं आपके साथ, वृक्ष आयुष योजना, नोट कर लिया होगा आपने। आइए बात करते दोस्तों आयुष ग्रिड की। आयुष ग्रिड क्या है? आयुष ग्रिड क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पर। इन द प्रेजेंस ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जी हाँ दोस्तों, इसकी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है दोस्तों, एक आईटी बैकबोन तैयार कर रहे हैं, आयुष ग्रिड तैयार कर रहे हैं। ओके, देश में कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कितने होम्योपैथिक हैं, कितने योग शिक्षक हैं, कितने हमारे पास यूनानी जानकार हैं, कहाँ कहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कहाँ चलती हैं, इनका एक ग्रिड, एक आईटी ग्रिड मालूम हो टाइप करके, कहाँ मिलेगा डॉक्टर मुझे, मेरे आसपास डॉक्टर कहाँ पर है, मेरे आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर कहाँ पर है, मेरे आसपास आयुष में रिसर्च कहाँ हो रही है, एक पूरा कनेक्टेड ग्रिड होगा दोस्तों आयुष के बारे में। तो वी नो आयुष ग्रिड की बात कर रहे हैं, तैयार किसने किया है दोस्तों, आयुष मंत्रालय और ऑफकोर्स यहाँ पर हमारी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव उसका, आयुष मंत्रालय का दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है सर, डिजिटलाइज कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ को, हम स्वास्थ्य देखभाल जो हेल्थ है हमारी, वेलनेस है, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अस्पताल हैं आयुष के, उसकी बात हो रही है, रिसर्च हो रही है आयुष के, शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन मिल रही है कहीं, वेरियस हेल्थ प्रोग्राम है, ड्रग रेगुलेशन है, एक जगह पर आप जान पाएंगे सब कुछ, सिंगल पोर्टल पर, सिंगल सिस्टम पर आयुष के बारे में दोस्तों आप लोग। तो आईटी बैकबोन फॉर आयुष मिनिस्ट्री और आयुष सिस्टम इन इंडिया नोन एज आयुष ग्रिड, कैन बहुत सिंपल सी बात है, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन आयुष, तो हम स्थापित कर रहे हैं उसके तहत आयुष ग्रिड यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ चौथा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा आयुष ग्रिड के बारे में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, अगला है सर आयुष AHMIS, जी हाँ दोस्तों, अगला नाम मेरे पास है AHMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्च किया गया 2 साल पहले, अनपुरानी बात नहीं, ज़्यादा पुरानी बात हो गई है, लेकिन अल्टीमेट बात क्या है सर, इसमें आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दोस्तों, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो अस्पताल हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं यहाँ पर, उनको आपस में लिंक किया गया, उनका इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कितने मरीज़ एडमिट हैं भैया, कितने बेड्स वहाँ पर हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, कौन से मरीज़ आ रहे हैं, क्या बीमारी लेकर आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट का क्या लाभ मिल रहा है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों। तो आयुष AHMIS और कोई समस्या नहीं समझने में इसको, यानी कुल मिलाकर लॉन्च किया था 2018 में इसको, यहाँ पर 90 स्वास्थ्य संस्थान जो हमारे हैं जिनकी OPD है, वहाँ पर OPD में कौन से डॉक्टर रहता है, कौन सा इलाज देता है, तो काफ़ी हद तक आयुष ग्रिड का ही एक पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये केवल अस्पतालों के लिए है, रिसर्च नहीं, आयुष कॉलेज नहीं, आयुष के स्कूल्स नहीं, आयुष की बाकी चीज़ नहीं, केवल आयुष के अस्पतालों की बात, OPD में कौन मरीज़ आ रहे हैं, कितने डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, कौन से मरीज़ का क्या इलाज किया जा रहा है, किस मरीज़ कौन समस्या को लेकर आ रहा है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिगार्डिंग आयुष अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तैयार किया गया है AHMIS को दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। ओके, बड़ा अच्छा काम हो रहा है दोस्तों। अगली स्कीम बात करें हम लोग यहाँ पर, ISO with BIS की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या मतलब है इस पूरी खबर का, इस पूरी खबर के मायने क्या हैं सर, सुन लीजिए। हमारे यहाँ दवाइयाँ बेची जाती हैं, मैंने आपसे कहा CDSCO उसके लिए एक डिपार्टमेंट विंग देख रहा है, वो काम करेगा, लेकिन एक काम और हो रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर रही है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर रही है, वो BIS के सहयोग से, BIS का नाम जानते हैं आप लोग ना, भारतीय मानक ब्यूरो, BIS का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, BIS के सहयोग से भारतीय आयुष दवाओं के लिए क्या कर रही है सर, ISO जारी कर रही है। जी हाँ, फिर सुन लीजिए आराम से, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो BIS के साथ मिलकर भारतीय आयुष दवाओं के लिए ISO मानक, भारतीय मानक जारी कर रहा है। जिससे क्या होगा, जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेडिसिन आती हैं, जानते हैं ये मेडिसिन है ये, आप इसमें आप जानते हैं कि कौन सा मानक लगा है, तो आप समझ पाएंगे। तो मैं कहूँ आपसे 4 इंडियन स्टैंडर्ड जारी कर दिए गए हैं दोस्तों, और बहुत जल्दी और हम लोग करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं कि और दवाइयाँ स्वीकार की जाएँ हमारे यहाँ पर, जैसे पंचकर्म है अगर उपकरण है यहाँ पर हमारे पास, योग उपकरण है हमारे पास, उनके लिए मानक जारी करना। जी हाँ, मानक जारी किए गए, इससे अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा सर, हम लोग सीमा पार व्यापार कर सकेंगे, लोगों का विश्वास बढ़ेगा घरेलू स्तर पर दोस्तों हमारे लिए, ये फ़ायदा मिलेगा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों बात यहाँ पर, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सभी को, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, बताइए, क्या एक बार बताइए यहाँ तक बात समझ में आ चुकी हैं, सब लोग एक ही लिखेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आराम से, 30 सेकंड का ब्रेक मैं दे रहा हूँ आपको, पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बताइए दोस्तों,
यहाँ तक सब कुछ ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब कुछ ठीक है दोस्तों। आयुष के अपडेट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर आपके साथ। 15 लगभग अलग प्रकार के योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं आयुष के द्वारा, छोटी न्यूज़ है लेकिन काम किए दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अगला है सर, अगली हमारे पास जो ग्लोबल सेंटर GCTM, जी हाँ दोस्तों GCTM की बात करूं, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जैसे हमारे आयुर्वेद है, हमारे यहाँ आयुष है, उसी प्रकार से दुनिया भर में भी होंगे और सिस्टम, तिब्बत में चलता होगा, जापान में चलता होगा, सिंगापुर में कुछ होता होगा, अफ्रीका में कुछ होता होगा, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज पर हम लोग यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जी हाँ दोस्तों WHO का बड़ा सेंटर बन रहा है भारत के अंदर। तो WHO ने तारीफ़ की हमारे यहाँ पर, डायरेक्टर जनरल WHO के जो हैं सर, कौन जानते हैं, नाम याद होना चाहिए, टेड्रॉस आपकी बहुत चर्चा में रहे साल भर। टेड्रॉस ने भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ़ की और कहा कि जी हाँ, आप जो ये काम कर रहे हैं, जो सेटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। इससे दुनिया भर की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उन पर रिसर्च, उन पर सर्टिफिकेशन, उन पर विश्वास लोगों का बढ़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, WHO कोऑर्डिनेट कर पाएगा हमारी संस्थाओं के साथ, हमारी दवाएं जो हैं हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में, हमारे सिद्धा में, यूनानी में, नेचुरोपैथी में, सोवा रिक्पा में, इनको ग्लोबल स्केल पर रिकॉग्निशन आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो ये प्रयास है हमारे यहाँ पर सरकार का और WHO का। तो WHO ने क्या किया दोस्तों, ये WHO का सेंटर बन रहा है भारत के अंदर, ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बनाया जाएगा WHO के सहयोग से भारत के अंदर दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगली खबर पे आता हूँ आपके साथ। ICD-11, जी हाँ दोस्तों ICD-11 पूछ सकता है ऑनलाइन में क्या चर्चा है। ICD-11 दोस्तों, रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। जी हाँ दोस्तों, ICD-11 अभी तक आपने देखी दवाएं जो मिलती हैं उनके मानकीकरण की बात हो रही है, उनके स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है। आयुर्वेद में दवाएं दी जाती हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, उनका मानक हिस्सा हो जाए। लेकिन जैसे आयुर्वेद में मैं कहूँ आपको, यहाँ पर हम कहते हैं कफ की बीमारी हो गई, तो सामान्य मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन इस बीमारी कुछ और नाम देती है, आयुर्वेद कुछ और नाम देता है। बाइल का इश्यू हो गया तो कुछ और नाम आयुर्वेद देगा, कुछ और नाम दे रहा होगा उसको हमारा ट्रेडिशनल या वेस्टर्न मेडिसिन। तो आवश्यक है कि एक ही नाम हो जाए बीमारी का, तो दवाइयाँ ढूंढने में आसानी होगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। इसके लिए क्या हो रहा है दोस्तों, ICD-11 क्या है सर, आयुष मंत्रालय WHO के साथ मिलकर क्या कर रहा है सर, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए मानकीकृत शब्दावली। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं, टर्मोलॉजी, स्टैंडर्डाइज्ड टर्मोलॉजी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी के लिए। आयुर्वेद सिद्धा यूनानी के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड टर्मोलॉजीज। टर्मोलॉजी मतलब जो आयुर्वेद में दवाई का नाम है या आयुर्वेद में जो बीमारी का नाम है, वही नाम हम वेस्टर्न मेडिसिन में देख पाएँ, या वेस्टर्न मेडिसिन जो दवाइयों का नाम लेती है, जिन टूल्स का नाम लेती है कि भैया ये खाने से ही हो सकता है, आयुर्वेद में नाम एक सा हो जाए, इससे क्या होगा, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना आसान हो जाएगा। आप कैंसर बोल लीजिए, कई समस्या आपको हो गई है, उसका आयुर्वेद में क्या नाम दिया गया है, यदि टर्मोलॉजी कॉमन हो जाएगी तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है लेकिन हम जानते ही नहीं वो क्या लिखा है वहाँ पर, तो कॉमन टर्मोलॉजीज होने से फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ICD-11 जी हाँ दोस्तों, एक्टिवली इंगेजिंग है हमारा आयुष मंत्रालय किसके साथ दोस्तों, इन्वॉल्व है वो WHO के साथ। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए हमने क्या किया, एक नमस्ते पोर्टल तैयार किया है। नमस्ते पोर्टल क्या है दोस्तों, नेशनल आयुष मॉबिट्री एंड स्टैंडर्डाइज टर्मोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, हम लोग जो नमस्ते पोर्टल पर आप लोग आयुर्वेदिक नाम क्या है और वेस्टर्न मेडिसिन में इसका नाम क्या है, इसे कंपेयर करना काफ़ी आसान हो पाएगा दोस्तों। तो वी हैव नमस्ते पोर्टल तैयार किया है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर, तो संचालित किया रहा है पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय आयुर्वेद सिद्ध यूनानी बीमारी के आंकड़ों का सफलता को जुटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो एक टर्मोलॉजी स्थापित की जा रही है ICD-11 के तहत और तैयार किया है नमस्ते पोर्टल हम लोगों ने। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बातें अब तक आराम से पहुँच रही हैं सर। ओके, हमारे एक मित्र कह रहे हैं सर शॉर्ट ट्रिक, बेटा शॉर्ट ट्रिक तो क्या, शॉर्ट में लिखी सारी बातें मैंने, पॉलिटिकल सेशन ले रहे। सत्यम कह रहे हैं बेटा पॉलिटी ये तो पढ़ ले यार भाई, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले यार। ज्योति कह रही हैं सर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं आयुर्वेद पर, अच्छा हाँ ये बड़ा सवाल है, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं आयुर्वेद पर सर।
कल मैंने आपको बताया था हेल्थ का इशू बताया था, डीबीटी का पूरा अपडेट कराया था मैंने वहाँ पर, आपको डीबीटी में ले गया था, आपको डीबीटी का पूरा अपडेट कराया था, डीबीटी कहाँ का रिसर्च कर रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद ना पिछले एक साल में आप याद कीजिए कि कोरोना के अलावा एक तरफ सब सोचिएगा कोरोना सोचिए, आपको याद आया कि जितना अखबारों में कोरोना छाया रहा, जितना करंट में कोरोना छाया रहा, उतना तो कुछ भी नहीं था। अब कोरोना से निपटने के लिए कोरोना की ग्लोबल स्ट्रेटजी, दवाइयाँ, वैक्सीन, मंत्रालय, डिपार्टमेंट, आयुर्वेद, ये तो काम आया। तो निश्चित तौर पर हेल्थ सेक्टर के बार क्वेश्चन आ सकते हैं, हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ भी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए अलग से करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको आयुष स्पेशल आपके लिए। गेमिंग क्लैश एक नाम के यूज़र हैं हमारे, कह रहे हैं सर बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लर कर दीजिए। अच्छा बाद में कर लें, क्लास के बाद करते हैं दोस्त, पढ़ लेते हैं पहले ना, इसके बाद में कर दूंगा, पक्का कर दूंगा क्लास के बाद। चलो आ जाओ, अब बार बार मत लिखो, मैंने सुन ली बात आपकी दोस्त, क्लास के बाद कर दूंगा, ठीक है। चलो आइए दोस्तों बात करें ASWC की। ASWC आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये क्या है सर? आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है सर? ओके यहां से स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत याद होगा दोस्तों, आयुष्मान भारत की बात कर दूं दोस्तों मैं, आयुष्मान भारत का नाम याद होगा। इसमें दो काम हो रहे हैं दोस्तों, दो काम क्या हो रहे हैं, एक तो 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, ये सभी जानते हैं आप लोग, 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, देश में 1.5 लाख 1.5 लाख क्या बनाए जा रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखभाल केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनको हम पहले कहा करते थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनका नया नाम होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनको बनाया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब मान लीजिए वहाँ आयुष डॉक्टर है, वहाँ आयुष की दवाएँ मिल जाती हैं आपको, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गया, लेकिन वो क्या कहलाएगा अब, वहाँ पर आयुष स्पेसिफिक डॉक्टर है, आयुष स्पेसिफिक मेडिसिन मिलती हैं, तो क्या कहलाएगा दोस्तों उस केस में, वो ASWC। तो 1.5 लाख बनाने हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमको, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। इसमें से कुछ क्या होंगे, ASWC होंगे, यानी सभी 1.5 लाख पश्चिम मेडिसिन वाले नहीं होंगे, इसमें से कुछ ASWC भी होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ASWC का, ASWC कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको दोस्तों। ASWC क्या है, यहाँ पर इस साल हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रयास है हमारा कि लगभग 12,500 आयुष सेंटर बनाएंगे हम लोग 2024 से पहले दोस्तों। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत ASWC हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, लगभग 12,500 ऑलमोस्ट 1.5 लाख में से 1.5 लाख में से 12,500 अंडर आयुष्मान भारत स्कीम क्या होंगे, आयुष्मान या आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे बाय 2024 दोस्तों, ठीक है। और ऑलरेडी 4,000 के आसपास मैं कह रहा हूँ काम करना चालू कर चुकेंगे, इस साल के अंत हम 4,000 लगभग काम करना शुरू कर देंगे, तो इस साल 4,000 हो चुके हैं तैयार ऑलमोस्ट, अगले कुछ सालों में 12,500 तक पहुँच जाएंगे। तो ऑलरेडी अच्छा काम हो रहा है ASWC अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब कुछ ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। ओके ओके मैं आपसे कहूँ यहाँ पर अगला जो है सर चैंपियन सेक्टर स्कीम, चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। देखिए जैसे भारत सरकार ने आज से कुछ साल पहले लॉन्च किया था मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, हमारा फोकस क्या था, चीज़ें घर में बनाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया आपने, मेक इन इंडिया फोकस था, प्रमोशन करें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा मिले, विनिर्माण भारत में हो, हर चीज़ भारत में तैयार होना शुरू हो जाए, मेक इन इंडिया, दैट्स गुड सर। ये था किसके लिए, वस्तु निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण कुछ करना हो, बनाना हो फैक्ट्री में, उसकी बात थी। फिर हमने क्या किया, 2 साल पहले 2019 में सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया इसमें मेक इन इंडिया में, कभी ठीक है वो तो मैन्युफैक्चरिंग का हो गया मेक इन इंडिया, बट सर्विस सेक्टर के लिए भी करेंगे। तो ऐसी सर्विसेज जिनसे हम चाहते हैं भारत में, भारत उनमें काफ़ी हाईली एक्टिव है उन सर्विस को देने में, तो हम चाहते हैं कि इंडिया उनमें चैंपियन बन जाए। तो चैंपियन सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए कि यार सर्विस में ना ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग दें तो हम लोग चैंपियन बन सकते हैं, इस सेक्टर में काफ़ी आगे जा सकते हैं। जैसे मेक इन इंडिया में कुछ प्रोडक्ट नियमित तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, डिफेंस के उपकरण हो या बाकी चीज़ें हों, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में हम चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से सर्विस को एक्सपोर्ट कर पाएँ, सर्विस का उत्पादन बढ़ा पाएँ, सर्विस को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ अपनी। हमने क्या किया, कुछ सेक्टर की पहचान की, इन सेक्टर को नाम क्या दिया गया दोस्तों, चैंपियन सर्विस सेक्टर, ठीक है, चैंपियन सर्विस सेक्टर। भारत सरकार का सीधा गोल था इन चैंपियन सर्विस सेक्टर में
स्कीम को बढ़ाया जाए और शामिल की जाए योजनाएं और लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जाए। इसी को देखते हुए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया, दोस्तों हमने यहाँ पर कई आयुष अस्पताल तैयार किए हैं, हमने कई यहाँ पर आयुष सेक्टर में कौशल विकास तैयार किया, लोगों को आयुर्वेद की जानकारी हो, योग की जानकारी हो, योग प्रशिक्षक हमारे पास हो, दुनिया को हम लोग योग प्रशिक्षक एक्सपोर्ट करें। जी हाँ, दुनिया में योग की मांग है, योग करना चाहते हैं लेकिन योग ट्रेनर की कमी है, तो ट्रेनर कौन बेचेगा, हम बेचेंगे। बेचना मतलब इन सेंस कि हम सप्लाई करेंगे दुनिया को ट्रेनर बनाकर, तो योग ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ पर सर्टिफिकेशन दिया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष ग्रिड की बात की मैंने आपसे यहाँ पर, तो अल्टीमेटली आयुष ग्रिड बना चुके हैं, कितने ट्रेनर, कितने अस्पताल, कितनी मेडिसिन हम बताएंगे तुमको यार, कितना चाहिए हम देंगे यहाँ पर। तो आयुष को शामिल किया गया है चैंपियन सेक्टर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रयास कर रहा है चैंपियन सेक्टर के अंतर्गत आयुष को प्रमोट करने का। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होंगी आपको, यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा। तो चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने आयुष देखभाल सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक अस्पताल, आयुष सेक्टर में कौशल विकास और यहाँ पर लगभग 769 करोड़ की सहायता से चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के तहत आयुष ग्रिड स्थापना की पहल की है। तो चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम अंडर, नॉट अंडर आयुष, आयुष डिपार्टमेंट अंडर द चैंपियन सर्विस सेक्टर। चैंपियन सर्विस सेक्टर दोस्तों ना, ये बड़ी टर्मोलॉजी, छोटी टर्मोलॉजी नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में आते हैं, आईटी सेक्टर भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है, नॉलेज इकोनॉमी भी है, बहुत सारे सेक्टर्स में आते हैं, इसमें आयुष भी आता है। ठीक है, चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। ओके, इंक्लूजन ऑफ सोवा रिगपा इनटू आयुष। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस साल फैसला किया फाइनली यहां पर, द गवर्नमेंट हैज सुटेबली अमेंड द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड इंटरलेटेड इंक्लूडेड बिजनेस। हमने क्या किया दोस्तों, हमने सोवा रिगपा जो एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट या ट्रेडिशनल तिब्बती मेडिसिन प्रणाली है दोस्तों, तिब्बत जो भारतीय तिब्बत है, हिमाचल उत्तराखंड का तिब्बत जो हमारा है, उस तिब्बती हिमालय में चलने वाली परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम इन तिब्बती हिमालयास, वहाँ चलती है दोस्तों सोवा रिगपा नाम की पद्धति है, आयुर्वेद है हमारा, ऐसी वहाँ पर सोवा रिगपा चलती है दोस्तों। इसे सोवा रिगपा को भी शामिल कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के दायरे में, इसके लिए नियम में बदलाव कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, तो भारत सरकार ने क्या किया है, सोवा रिगपा के विकास और प्रसार के लिए सरकार ने व्यवसायिक संशोधन किया और नीति निर्माण को शामिल किया गया है मंत्रालय, आयुष मंत्रालय में दोस्तों। अब तक सुनते थे आप आयुष AYUSH, अब ये सोवा रिगपा भी इसमें शामिल हो जाएगा दोस्तों। तो सोवा रिगपा भी शामिल हो गया है, आयुष तो है ही है, और सोवा रिगपा का रिसर्च कहाँ होता है देश में दोस्तों, उसका रिसर्च होता है लद्दाख के हमारे कहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा इन लेह यूटी। जी हाँ दोस्तों, हमने इसको यहाँ पर राष्ट्रीय जो अनुसंधान संस्थान है उससे हमने बदल दिया उसका नाम, और यहाँ हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा इन लेह। जी हाँ दोस्तों, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पर लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान की स्थापना, ऑलरेडी वो रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसको अब बना दिया हमने संस्थान, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन सोवा रिगपा यहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों लद्दाख में। पहले इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा, अब इसका नया नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा इन लेह यूटी। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, तो सोवा रिगपा पर काफ़ी चर्चा हो रही है, चीन काफ़ी नाराज़ भी था इससे, चीन कहना है कि तिब्बत तो हमारा है, तिब्बत की मेडिसिन भी हमारी है, तो भारत क्यों उसको अपने जगह दे रहा है, यूनेस्को जगह ना दे भारत के सोवा रिगपा को। ठीक है, चीन की अपनी समस्याएं हैं, हमारी अपनी बातें हैं। तो सोवा रिगपा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शामिल हो चुका है इस साल से दोस्तों, उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर है बातें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। ओके, ये हो गया हमारा आयुष ग्रेड हो गया दोस्तों, वृक्ष योजना हो गई, योगासन हो गया हमारा, ISO BIS हो गया दोस्तों, WHO सेंटर की बात हो गई, CDSCO की बात हो गई आपके साथ, ASWC की बात हो गई, नमस्ते पोर्टल हो गया दोस्तों आपके साथ, सोवा रिगपा की बात भी हो गई। देखिए मैंने कहा था ना फटाफट हो जाएगा काम अपना, कुछ और बचा है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 बचा है, 10 हो चुके हैं, तो अपने 10 हो चुके हैं दोस्तों, 10 तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ तो कुछ पूछना हो पहले आपको, 30 सेकंड का ब्रेक, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे आराम से, 30 सेकंड का आपको एक स्पेस दे रहा हूँ दोस्तों, पूछने के लिए विंडो है, पूछ सकते हैं फटाफट, आगे बढ़ेंगे आप लोग हम लोग आपके साथ। सर CDSCO किस मंत्रालय में आता है, चिराग पूछ रहे हैं, CDSCO बेटा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आएगा आपका आराम से। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए सर, ठीक है,
इतनी जल्दी होगा इसे, बट आपके सामने कर रहा हूँ, आप ही देख लो, कोई छूटा नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। रिवीजन कर रहे हैं, बट रिवीजन में अब तो ऐसे ही होता है काम ना, अब समय नहीं है कि एक पुट को आपके साथ 15-20 मिनट तक कराया जा रहा हमसे ना, अब तो रिवीजन का समय है, रिवीजन हो रहा है आपके साथ दोस्तों। तो 10 हमारे हो गए, आइए बात करते हैं आपके साथ, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से फिर। आइए दोस्तों, राष्ट्रीय आयुष मिशन, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करें, बड़ा मिशन है, 2014 में लॉन्च किया गया था, 21 में इस साल अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी कर दी, एक्सटेंड कर दिया 2026 तक। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अभी 21 से 26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, पहले केवल 14 से 19 तक था, फिर 2 साल और फिर 5 साल का एक्सटेंशन हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शुरू हुआ था कब, 2014 में, अभी कब तक चलेगा, 2026 तक दोस्तों। 4,600 करोड़ रुपये और दिए हैं इसको हमने यहाँ पर, समझ सकते हैं दोस्तों, 4,600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें 3,000 देगा कौन, केंद्र सरकार, और लगभग 1,600 करोड़ कौन देगा, राज्य सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये लगभग आप समझ सकते हैं 60-40 रेशियो में दिया जा रहा है दोस्तों हम यहाँ फंड, तो ये खर्च करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, इतना खर्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। आइए दोस्तों, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बात करते हैं आपके साथ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है सर, कुछ राज्य कुछ केंद्र, तो देखा 4,600 करोड़ और खर्च होंगे आने वाले 5 साल में, 2021 से 26 के बीच में, 3,000 करोड़ केंद्र दे रहा है, 1,600 करोड़ राज्य दे रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आयुष मिशन की बात करें सर, क्या है इसका गोल, इसके उद्देश्य, इसके की पॉइंट्स क्या है दोस्तों, आइए बात करते हैं आपके संग। की पॉइंट 4 कहाँ लिखे मैंने, ये रहे 4 की पॉइंट, आइए दोस्तों डिफाइन करते हैं 4 की पॉइंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आराम सुनिएगा। नैम के ऑब्जेक्टिव दोस्तों, नैम ये अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं है बेटा, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना, नेशनल आयुष मिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आयुष मिशन की बात है दोस्तों, 4 काम है, बहुत सीधे से बात, आयुष से सेवाओं को कॉस्ट इफेक्टिव वे में लोगों तक पहुंचाना, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा, ये चीज़ें लोगों तक सस्ते में पहुंच पाएँ, कॉस्ट इफेक्टिव वे में पहुंच पाएँ लोगों तक पहुंच पाएँ, एक्सेस हो पाए उन तक। जी हाँ, एक्सेसिबिलिटी एफोर्डेबिलिटी तय करना कि लोगों तक पहुँच पाएँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल तैयार करने पड़ेंगे, डिस्पेंसरी तैयार करनी पड़ेगी हमको यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हमारे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर आयुष का एक कोना, एक आयुष का एक कैबिन तैयार करना पड़ेगा, आयुष फैसिलिटी तैयार करनी पड़ेगी। तो वी नीड अ स्पेसिफिक आयुष हॉस्पिटल एज वेल एज जो हमारे नर्सिंग होम है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी आयुष का एक डिपार्टमेंट हो, जहाँ पर आयुष संबंधित आपको जानकारी दी जाए। तो क्या करना है, लोगों तक आयुष पहुँचाना है और सस्ता पहुँचाना है, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, पहला काम दोस्तों, पहला लक्ष्य आयुष मिशन का। दूसरा क्या करना है, संस्थागत क्षमताओं की वृद्धि करना है, वी नीड डॉक्टर्स हमको चाहिए दोस्तों यहाँ पर, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए आयुष पढ़ाने वाले, हमें क्या चाहिए सर, स्टेट गवर्नमेंट आयुर्वेद सिद्धा आदि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, लैब चाहिए हमें इनके लिए, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए, दवाएं हमको तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर। तो उसमें वाई गायब कर दिया दोस्तों हम लोगों ने, समझ सकते हैं वाई क्यों, क्योंकि योग के लिए हमको नहीं चाहिए होता, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, आयुर्वेद, यूनान, होम्योपैथी के लिए हमको लैब चाहिए, हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए इसके लिए यहाँ पर, डॉक्टर्स तैयार करने होंगे, तो अस्पताल चाहिए, लोग इलाज करा सकें, अस्पताल के लिए डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर होंगे हमारे पास सेकंड में। तीसरा काम क्या है सर, सपोर्ट कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट, जी हाँ दोस्तों, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधों का उत्पादन, पीछे पढ़ाया था मैंने आपको यहाँ पर, औषधीय पौधों का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अल्टीमेट काम क्या करना पड़ेगा, मेडिसिनल प्लांट का प्रोडक्शन होना चाहिए हमारे यहाँ पर, सरकार ध्यान भी दे रही है इसके अलावा, और जो उत्पादन का दवाइयाँ कब बनेंगी हमारे पास, जब हमारे पास पौधे होंगे, औषधीय पौधे होंगे, मेडिसिनल प्लांट होंगे हमारे पास। तो प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, पीछे पढ़ी आपने अभी VAY, तो वही याद कीजिए और जोड़ लीजिए इसके साथ, तो अब आप लिख सकते हैं आराम से उसमें कि आयुष मिशन के अंतर्गत ये काम किया गया है। तो हम क्या चाहते हैं, मेडिसिन प्लांट उगाए जाएं दोस्तों, इसके लिए सप्लाई हो पाए दवाइयों की, जी हाँ, क्वालिटी रॉ मटेरियल हमको मिल पाए, कच्चा माल हमको मिलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेडिसिन प्लांट लगाने पड़ेंगे हमको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और चौथा, यहाँ पर चौथा काम क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा, उद्यमी चाहिए हमको जो आयुष को बढ़ावा दें। दवाइयाँ एक हैं, अस्पताल एक है, डॉक्टर एक है, लेकिन आयुष के सिस्टम को दवाइयाँ बना रहे हैं, दुनिया भर में सप्लाई करें, आयुष के अस्पताल तैयार करें, डॉक्टर, ठीक है, वो प्राइवेट लोग भी चाहिए हमको यहाँ पर। हमें क्या चाहिए,
हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमारे उद्यमी, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, वो आगे आएँ, वो इस वाइयों को लेकर यूरोप में जाएं, अमेरिका में बेचें जाकर। हमारे ये पतंजलि एग्जाम्पल मान लीजिए आपका, तो पतंजलि क्या है, बाबा रामदेव का एक एंटरप्रेन्योरशिप है अपने आप में, जो योग को बढ़ावा दे रही है, आयुष को बढ़ावा दे रही है। हमें और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें और ऐसे उद्यमी चाहिए जो आयुष को अगली सीढ़ी पर, अगले पायदान पर लेके जा सकें और सरकार के लिए काम करें यहाँ पर। तो क्लस्टर तैयार करें यहाँ पर, ऐसे पतंजलि योगपीठ है अपने आप में, कल्टिवेशन करें, दवाइयाँ वेयर हाउस तैयार करें, वैल्यूडेशन करें, मार्केटिंग करें, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा करें, जिससे हम लोग उद्यमी तैयार कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, सहयोग करना पड़ेगा अपने उद्यमियों को, अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने अपने डेवलपर को, जिससे वो आयुष पर रिसर्च कर सकें, आयुष को अगली कड़ी में लेके जा सकें। तो अल्टीमेटली दोस्तों, ये चार पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आपको सामने आ गए होंगे। ये क्या है, आयुष मिशन के चार पार्ट हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मिशन 2021 से 26 तक और चलेगा। 4600 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया गया है 5 साल के लिए। 3000 करोड़ बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, 1600 बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ काज का, कुछ केंद्र का दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा उम्मीद कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं होगा दोस्तों यहाँ तक हमारा काम, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दवाएं बेहतर उपलब्धता हो पाएगी दवाओं की सर, स्किलफुल लोग मिल पाएंगे हमको यहाँ पर, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी, दो पॉइंट जोड़ सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी की बात भी है दोस्तों यहाँ पर, अफोर्डेबिलिटी की बात भी है यहाँ पर, स्किल की बात भी है दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे हमारे पास सर, और अल्टीमेटली सर पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है, हमारे अस्पताल जो हैं, वहाँ पर इसका आयुष का यूज़ किया जाएगा। तो बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों इसके, ये है आपका नैम या नेशनल आयुष मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी स्टेट को यहाँ पर, याद रखिए सब्जेक्ट स्टेट का होता है हेल्थ, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगी, ठीक है। आप अगर खर्च करेंगे तो केंद्र राज्य भी, आप केंद्र भी आपको पैसा दे देगा इस काम में। चलिए दोस्तों बाहर आते हैं हम लोग यहाँ से, अगला देखेंगे दोस्तों आयुष 64। ये क्या है सर, आयुष 64 की बात करें दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये मलेरिया के लिए प्रयोग की जा रही थी काफ़ी लंबे समय से, आयुष की दवा है दोस्तों, मलेरिया के लिए यूज़ की जा रही थी, लेकिन COVID-19 की महामारी के दौरान दोस्तों, जिनको काफ़ी माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड होता है, बहुत हल्का या मध्यम प्रकार का कोविड होता है, उन मरीजों में रिकवरी को बढ़ाने के लिए हमें आयुष 64 का यूज़ करना स्वीकार है दोस्तों। भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है कि आयुष के मरीजों के लिए, जिनको हल्का या मॉडरेट प्रकार का कोविड हुआ है, उन्हें आयुष 64 मेडिसिन दी जा सकती है। जी भारत सरकार ने पाया है और भास्कर इसको अप्रूवल दे चुका है दोस्तों। तो किसने बनाई दवा दोस्तों, दवा का नाम किसने बनाया, ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आने वाले संस्थान का नाम है CCRS। तो CCRAS ने तैयार किया था दोस्तों आयुष 64 दवा को, जिसको मंजूरी दे दी गई थी कोविड के माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले केसेस के लिए दोस्तों। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर, और सुन लीजिए, बता दूं मैं आपको, बनाया गया था इसको मलेरिया के लिए, बनाया गया था डेवलप फॉर मलेरिया दोस्तों 1980 के दशक में, 1980 के आसपास बनाया गया था ये इसको मलेरिया के लिए। इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ये किन किन से मिलके बनी है आयुष 64। सप्तपर्ण है दोस्तों इसके अंदर, कटकी है इसके अंदर, चिरायता है, कुबेराक्ष है, ठीक है। तो मेरे लिए नाम याद करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चार नाम, ठीक है। तो ये चार नाम हैं जिनको मिला के बनाया गया है आयुष 64 दोस्तों। तो ये सेफ़ है, आयुर्वेदिक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, तो ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है यहाँ पर, इसको हम यूज़ कर, रिकमेंडेड हो गया है दोस्तों ये, इसको दे सकते हैं आप लोग हल्के या मध्यम बीमार प्रकार के कोविड पेशेंट को, आप इसको दे सकते हैं दोस्तों, हो पाएगा। आयुष 64 का नाम दोस्तों, आयुष 64 मेडिसिन है, दवा का नाम है दोस्तों। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं ACCR पोर्टल की। ACCR पोर्टल पूरा नाम दोस्तों, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी। जी हाँ, ACCR पोर्टल की बात कर लें दोस्तों। ACCR पोर्टल क्या है, सिंपल सी बात करें दोस्तों, ACCR पोर्टल क्या है, विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट बोथ आयुष प्रैक्टिशनर एंड जनरल पब्लिक। द पोर्टल एम्स टू एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल आउटकम अचीव्ड बाय आयुष प्रैक्टिशनर ऑन अ लार्ज स्केल। जी हाँ दोस्तों, ACCR पोर्टल क्या है, अपने सिंपल भाषा में बात की जाए कि डॉक्टर जो आयुष के हैं, वो जिन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनको उन्होंने कौन सी दवाएं दी और उससे उनको मरीजों को कितना फ़ायदा हुआ, एक्सपीरियंस ऑफ आयुष प्रैक्टिशनर, जो आयुष के डॉक्टर हैं दोस्तों,
उनकी जानकारी, उनके पास उनके आउटकम क्या रहे, उन्होंने क्या अचीव किया, क्लिनिकल आउटकम क्या रहे एक बड़े वृहद स्केल पर सर, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ रिसर्च में काम आएगा पोर्टल ये अपने आप में सर, रिसर्च में काम आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज कंडीशन को हम लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर, तो विश्लेषण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, विभिन्न रोगों तक हम लोग पहुँच सकते हैं इसके बाद आराम से दोस्तों। ठीक है, तो रिपोजिटरी पोर्टल है दोस्तों आपका ये, तो कुल मिलाकर केस जो आते हैं, क्लिनिकल केस जो आते हैं आयुष में, उसका एक डेटाबेस है दोस्तों अपने यहाँ पे, डेटाबेस नहीं कहूँगा, रियल टाइम बेसिस पर अपडेट होता रहेगा, डॉक्टर ने क्या इलाज किया था उसके बाद जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। ACCR पोर्टल आपके लिए दोस्तों याद रखिएगा, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल तैयार हो गया है दोस्तों, जहाँ पर आयुष डॉक्टर क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके क्या आउटकम है, उसकी चर्चा होती रहेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की गई, आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की गई, यहाँ पर संजीवनी ऐप जानते हैं दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा, एन संजीवनी ऐप का साल भर चर्चा में रही ऐप, संजीवनी ऐप जिस पर हम लोग सीधे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, डॉक्टर सीधा संवाद कर सकते हैं, एम संजीवनी ऐप, ऑनलाइन OPD बोला जाए तो अच्छा रहेगा अपनी भाषा में, उसी का एक नया वर्जन आयुष संजीवनी ऐप, वह समझ सकते हैं आप, आयुष डॉक्टर के साथ सीधा संवाद करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS और Google स्टोर से। क्या है सर इसमें, यहाँ पर सर इंक्लूडिंग आयुष इसके बारे में जानकारी मिलेगी, अलग बात है सर, यहाँ पर सिम स्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिलेक्टिंग। जी दोस्तों, आयुष संजीवनी ऐप पर क्या हो रहा है, एक तो आप ये काम कर ही रहे हैं कि यहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इसमें एक और है कि सरकार जो दवाएँ वितरित कर रही हैं, जैसे हमने बांटा, हमने कहा, हमने दिया इसको यहाँ पर आयुष 64 का नाम दिया, इसको बांट रही है सरकार, या एक नाम और दवा का दोस्तों उसको भी याद रखिएगा, ये आपके काम आ सकती है, नाम देख रहे हैं दोस्तों, कबूसूर कुडिनीर दवा, जी हाँ दोस्तों ये भी अप्रूव की गई है कोविड के इलाज के लिए, फिर सुन लीजिए, हल्के और कम गंभीर लक्षण वाले जो मरीज होते हैं उनके लिए कबूसूर कुडिनीर दवा, ये भी दोस्तों आयुष 64 के इक्विवेलेंट है अपने आप में, कबूसूर कुडिनीर दवा इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, सका फ्री बांट रही, दिल्ली में तो फ्री मिल रही हैं दवाइयाँ, आयुष 64 की दवाई या ये दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, तमिलनाडु में, केरल में फ्री दी जा रही हैं दवाइयाँ, तो ऐप पर आप जान सकेंगे भैया कहाँ फ्री मिल रही है दवा, कहाँ से ले सकते हैं आप, जो प्रैक्टिशनर होंगे, जो लोग आइसोलेशन में हैं वो कैसा अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखें, उसकी जानकारी चाहिए आपको, तो सब कहाँ मिलेगी आपको दोस्तों, आयुष संजीवनी ऐप पर। तो स्पेसिफिक कहा जाए तो कोविड के लिए है बनाया गया था ऐप ये, संजीवनी ऐप भी और आयुष संजीवनी ऐप भी, जहाँ पर डॉक्टर्स बताएंगे कि दवा कहाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या करें, जो लोग आइसोलेशन में हैं वो कैसे अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, या कैसे वो योग करें, या कैसे वो कौन से जीवन रक्षक दवाएं लें, जिससे उनको मुश्किलें ना हो यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आपके साथ, चलिए कहाँ पर आ गए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आयुष 64 भी कर लिया है हमने, आयुष मिशन भी हो गया सर, आयुष पोर्टल भी हो गया है, और आयुष संजीवनी ऐप भी हो गई दोस्तों। एक बचा है एम योग ऐप दोस्तों, आइए एम योग ऐप की बात कर लें दोस्तों आपके साथ, एम योग ऐप की बात करके दोस्तों, एम योग ऐप लॉन्च किया गया इस साल 21 जून को, जैसा कि आप जानते हैं योग डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है 21 जून, तो लॉन्च किया गया दोस्तों, WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों, मोबाइल योग या एम योग ऐप लॉन्च किया दोस्तों। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, बी हेल्थी मोबाइल, जी हाँ दोस्तों बी हेल्थी मोबाइल यानी यूनाइटेड नेशन का दोस्तों डेवलपमेंट जो गोल है उसके तहत ये काम हो रहा है, 2030 तक सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल की जो बात है, SDG लक्ष्य नंबर 3 जो है दोस्तों आपका, उसको अचीव करने के लिए कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, बी हेल्दी बी मोबाइल, जी हाँ दोस्तों, तो ये WHO का ग्लोबल लक्ष्य है, उसमें जोड़ा है उसने आयुष मंत्रालय को और लॉन्च किया है उसने ये एम योग ऐप दोस्तों। अल्टीमेट गोल क्या है, 4 जगह काम करेगा आपका, ये वीडियोस डालेगा इस ऐप के ऊपर, योग संबंधित छोटे छोटे वीडियोस हैं जिनको आप देखकर आप योग कर सकते हैं आराम से, तो यहाँ पर जनरल वेलनेस सामान्य योग हैं, यहाँ पर मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहा है उसके योग हैं दोस्तों, यहाँ पर किशोर अवस्था के लिए योग बताए गए हैं और प्री डायबिटिक मरीजों के लिए योग बताए गए हैं, जिस डायबिटीज़ की समस्या ना हो उनको, तो यहाँ पर आमतौर पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, गैर संक्रामक बीमारियां जो हैं उनके लिए योगों का एक वीडियो बनाकर इस ऐप पर रखा गया है, तैयार किया है WHO प्लस आयुष मंत्रालय ने। WHO का एक बिगर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसका नाम क्या है, BHBM, उसमें वो दुनिया भर के संस्थाओं को जोड़ता है, कैसे हम लोगों तक
बी हेल्थ बी मोबाइल पहुंचा सकते हैं, लोग चलते फिरते अपने हेल्थ पर ध्यान रख पाएँ, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जोड़ रहा दुनिया के संस्थानों को वो, और इसी कड़ी में जोड़ा उसने आयुष मंत्रालय को, और तैयार किया गया एम योग ऐप दोस्तों, लॉन्च किया गया 21 जून को यहाँ पर। ओके आशीष को लग रहा है सर एक साथ पुराना वीडियो रिकॉर्डेड है ये, ओके आशीष थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। बट एक अभी लॉन्च हुआ है 2021 में, एक साथ पुराना वीडियो मिल जाएगा तुमको, दिखाते हो यार तुम लोग, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट ही हो ये दिखाते हो तुम लोग मुझे, कोई बात नहीं। तो हिंदी में देख लीजिए दोस्तों, हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग इसको, तो 2030 तक सबके हमको हेल्थ पहुंचानी है। BHMBM की बात कर रहे हैं दोस्तों, चार पैक केंद्रित है आपका, मानसिक स्वास्थ्य तंदुरुस्ती के लिए, किशोरों के लिए और मधुमेह प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इसको तैयार किया गया है। ठीक है सर, हो गई 15 योजनाएं, दैट्स इट, इतना हंगामा था। देखिए आपने 5 की बात की थी, 15 करा दी आपको यहाँ पर, तो पूरा आयुष भी रिवाइज हो गया। आयुष करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत चर्चा रही आयुष को लेकर, बहुत ज़रूरी था आयुष करना आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आराम दिया जाए क्लास को, ये 15 पूरे हो गए दोस्तों हमारे ये। ठीक है, तो अब ये 10 हैं फिर आपके साथ, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स की हैं दोस्तों, बात करेंगे आपके संग बाद में इस पर अगले लेक्चर में। हाल फिलहाल के लिए दीजिए मुझे आराम, मुलाकात करेंगे आपके साथ आज शायद रात में। और ये 10 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं जी, ये स्कीम आपकी 10 स्वास्थ्य गोल आयुस्तूपा चर्चा रही इन सब न्यूज़ों की दोस्तों, सस्टेनेबल लिवलीहुड ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव बात करेंगे दोस्तों, संकल्प सिद्धि वन धन विकास केंद्र GI फॉर ट्राइबल्स, ये 1 पॉइंट टॉपिक है आपका। तो ये प्री ट्रायल दे रहा हूँ को मैं, अगले जो 10 होंगी, अगली 10 एक साथ देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, 10 in 1 का लेक्चर होगा आपका, जनजाति संबंधित आपका लेक्चर होगा दोस्तों यहाँ पर ये। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इससे कमिंग आवर्स में, कुछ अगले घंटों में बात करेंगे दोस्तों आपके साथ, संभवतः शायद 12 बजे या फिर संभवतः 11 बजे मैं लेक्चर लेकर आऊँगा इस पर आपके साथ आज, नहीं 11 तो 11:30 खत्म होती है मेरी क्लास, तो 12 बजे मुलाकात कर सकते हैं आपके साथ फिर हम लोग। ठीक है, फटाफट लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना, क्या करा दें इसको हम लोग अभी करेंगे। अभी करेंगे क्या, लंबा जाएगा, छोड़ दीजिए, एक घंटा और लग जाएगा फालतू का, चलिए बाद में करते हैं इसको हम लोग अलग वीडियो में। चलो मिलते हैं फिर आपके साथ, दीजिए आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।